नमस्कार, मैं अनुष्का। आज है 19 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रवासियों को बिहार सरकार पहुंचाएगी बड़ी मदद। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर बिहार के हर पंचायत में फहराया जाएगा तिरंगा। बिहार कैडर में 10 IAS अधिकारियों की हुई पोस्टिंग। जम्मू कश्मीर घटना में शहीद हुए बिहार के बेटे कैप्टन आनंद को मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान से 3 कदम आगे निकली टीम इंडिया। तो आइए अब बढ़ते हैं बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। प्रवासियों को बिहार सरकार पहुंचाएगी बड़ी मदद। बिहार से देश के दूसरे राज्यों में पलायन करने वालों की संख्या में हर रोज इजाफा हो रहा है। ऐसे में दूसरे राज्यों में जाने वाले मजदूरों और युवाओं की सुविधा के लिए बिहार सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। इसके तहत अलग अलग राज्यों में अपने प्रवासियों के लिए बिहार सरकार ने माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोलने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत 7 राज्यों से की जाएगी। फैसले के मुताबिक जिस राज्य के शहरों में मजदूरों की संख्या अधिक होगी, वहां पर सेंटर को खोला जाएगा, ताकि वहां रहने वाले मजदूरों को रहन सहन में होने वाली दिक्कतों निदान किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि सेंटर अगले 6 महीने में खोल दिया जाएगा, जिसके बाद श्रम विभाग की ओर से काम भी जारी है। बता दें कि सेंटर की ऑनलाइन निगरानी होगी, साथ ही सेंटर में पहुंचे हर मजदूर का डेटाबेस तैयार होगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रतन राजपूत की। बिहार से निकलकर माया नगरी में अपना नाम बनाने वाली एक्ट्रेस रतन राजपूत का जन्म 20 अप्रैल 1987 को बिहार के समस्तीपुर जिले के बासीपुर बेरी गांव में हुआ था। उनके पिता राम रतन सिंह राज्य सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद से रिटायर्ड है। रतन राजपूत 5 बहनों में सबसे छोटी है। मुंबई जाने के बाद ही कुछ दिन अचानक उनको एक सीरियल में काम करने का मौका मिला। हालांकि लाली के किरदार में रतन राजपूत अगले जन्म मोहे बिटिया ही की, जो सीरियल के द्वारा घर घर में फेमस हो गई। वह बिग बॉस में भी नजर आ चुकी है। उन्हें टेलीविजन के लिए कई अवार्ड भी मिले हैं। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर बिहार के हर पंचायत में फहराया जाएगा तिरंगा। 15 अगस्त को बिहार के सभी पंचायतों और वार्डों में तिरंगा लहराया जाएगा। बिहार सरकार ने इसको लेकर फैसला लेते हुए बिहार के सभी डीएम को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि आजादी के 75वें वर्षगांठ को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर सरकार ने राज्य के सभी पंचायतों और वार्डों में तिरंगा लहराने का निर्णय लिया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर कहा कि आजादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर बिहार के सभी 8,067 पंचायतों और 1,11,387 वार्डों में आने वाले 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाएगा। भूमि की उत्पादकता के मामले में बिहार की स्थिति है बेहतर। देश भर में खेती की जमीन की क्वालिटी को लेकर हुए एक सर्वे की रिपोर्ट में बिहार को लेकर एक अच्छी खबर है। दरअसल आंकड़ों के अनुसार बिहार में जमीन की उत्पादकता घटने की रफ्तार बेहद कम है। यहां 13% ही जमीन की उत्पादकता घटी है, जबकि देश के 8 राज्यों में 80% तक जमीन की उत्पादकता घटने का दर रिकॉर्ड किया गया है। बिहार की स्थिति देश के अन्य राज्यों से बेहतर है। यहां फसलों का उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ा है। वर्ष 2020-21 में गेहूं के उत्पादन में 18.92%, धान के उत्पादन में 6.33%, मक्के के उत्पादन में 0.74%, दलहन के उत्पादन में 13.20% की वृद्धि हुई है। हालांकि इसी अवधि में तिलहन की उत्पादकता में 2% और उत्पादन में 0.46% की कमी हुई है। जल्द ही पटना से गंगा नदी के सहारे पहुंच सकेंगे बनारस। बिहार के कई जिलों के लोग बनारस जाने के लिए अमूमन पटना से रेलगाड़ी, बस या फिर फ्लाइट पकड़ते हैं। आने वाले समय में पटना के गंगा नदी के रास्ते पानी वाले जहाज के जरिए भी बनारस पहुंचा जा सकेगा। इसे लेकर पर्यटन विभाग जल्द ही डबल डेकर जहाज की सुविधा उपलब्ध कराएगी, जिसके सहारे लोग अब गंगा नदी से होते हुए वाराणसी को जा सकेंगे। इसके तहत 125 सीट वाले कुल 2 जहाज पटना से वाराणसी को जाएंगे। आपको बता दें कि जहाज पटना के गांधी घाट से खुलते हुए दानापुर, मनेर, डोरीगंज, रिविलगंज, सुंदरपुर बराज, रुद्रपुर, बलिया, बक्सर, चौसा, जमानिया, गहमर, गाजीपुर, रजवाड़ी होते हुए वाराणसी को पहुंचेगी। यह सफर 2 दिन और 2 रात का होगा, जो कि ऐतिहासिक स्थलों का सैर कराते हुए 4 दिनों में वाराणसी को पहुंचेगा। यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार को बालू के कारोबार से जुड़े इस जिले में किया गया तैनात। यूपीएससी परीक्षा 2021 में बिहार का परचम लहराने वाले शुभम कुमार की पहली पोस्टिंग हो गई है, जिसके तहत इन्हें सहायक समाहर्ता सह सहायक दंडाधिकारी के रूप में काम करने के लिए बिहार का औरंगाबाद जिला मिला है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो शुभम कुमार का जिस जिले में पोस्टिंग हुआ है, वह बालू के अवैध कारोबार के लिए बदनाम रहा है। आपको बता दें कि कुछ माह पहले ही औरंगाबाद के एसपी और डीएसपी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई गई। आपको बता दें कि शुभम कुमार का यूपीएससी 2021 के टॉपर है। वे बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं। शुभम ने आईआईटी बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग से स्नातक तक की पढ़ाई की है। उसके बाद शुभम यूपीएससी की तैयारी में जुट गए थे।
राजगीर के ब्रह्मकुंड में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के राजगीर में स्थित ब्रह्मकुंड एक प्राचीन गर्म पानी का कुंड है। हर साल मकर संक्रांति पर इस कुंड में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु पहुंचते हैं। यह ऐसी मान्यता है कि इस कुंड का निर्माण ब्रह्मा जी ने करवाया था। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र राजा बसु ने ब्रह्मकुंड परिसर में यज्ञ का आयोजन किया था। इस दौरान देवी देवताओं को एक ही कुंड में स्नान करने में परेशानी होने लगी, तब ब्रह्मा जी ने यहां 22 कुंड का निर्माण कराया। इन्हीं में से एक है ब्रह्मकुंड, जिसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। बिहार पुलिस सेवा के कैडर में एक दशक के बाद बढ़ेंगे 70 पद। बिहार में करीब 12 सालों के बाद बिहार पुलिस सेवा का कैडर रिव्यू होने जा रहा है, जिसके होने के बाद डीएसपी, सीनियर डीएसपी और एएसपी रैंक में करीब 70 पदों की वृद्धि हो जाएगी। पुलिस मुख्यालय के स्तर से भेजे गए इससे संबंधित प्रस्ताव को राज्य पदवर्ग समिति और वित्त विभाग के स्तर से भी सहमति मिल गई है। हालांकि अब इस पर राज्य सरकार या कैबिनेट के स्तर पर अंतिम स्तर पर सहमति मिलना बाकी है, जिसके बाद ही नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा डीएसपी के मूल रैंक में 45 से 50 पद की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद सीनियर डीएसपी रैंक में 15 से 20 और एएसपी रैंक में लगभग 10 पदों की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद पुलिस महकमा अपने स्तर पर फैसला लेगा कि किस किस सेक्टर में कितने नए पदों की बढ़ोतरी की जाएगी। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने निकाली बम्पर बहाली, बेरोजगार युवाओं के लिए काम की खबर है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट लाइनमैन के 1690 पदों पर वैकेंसियां निकाली हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार 31 जुलाई 2022 से इस नौकरी के लिए आवेदन किया जा सकेगा। उम्मीदवार पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट pspcl.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों का 10वीं पास होना जरूरी है, साथ ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिग्री डिप्लोमा हासिल होना भी जरूरी है। उम्मीदवारों का चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आवेदन शुल्क में उम्मीदवारों से 944 रुपए का शुल्क देना होगा। इसके अलावा एससी और पीडब्ल्यूडी के उम्मीदवारों को 590 रुपए देने होंगे। बिहार कैडर में 10 आईएएस अधिकारियों की हुई पोस्टिंग। बिहार में यूपीएससी 2021 से बैच के 10 आईएएस अधिकारियों की तैनाती हुई है, जिसमें से 5 महिलाएं हैं। बिहार कैडर के जिन 10 अधिकारियों को तैनात किया गया है उसमें शैलजा पांडे को पटना, सारा अशरफ को मुजफ्फरपुर, अपूर्वा त्रिपाठी को नवादा, शिवाक्षी दीक्षित को पश्चिमी चंपारण और निशा को वैशाली जिला में कार्यभार दिया गया है। तो वहीं आकाश चौधरी को गया, सूर्य प्रताप सिंह को दरभंगा, अनिल बसाक को नालंदा, प्रवीण कुमार को पूर्वी चंपारण और टॉपर शुभम कुमार को औरंगाबाद में तैनात किया गया। आपको बता दें कि ये सभी अधिकारी अभी हाल ही में मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से व्यवहारिक पाठ्यक्रम चरण 1 का प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। ऐसे में अब इन्हें अगले महीने से जिला प्रशिक्षण के लिए जिला का आवंटन कर दिया गया है। अब ये जिलों में सहायक समाहर्ता सह सहायक दंडाधिकारी के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर घटना में शहीद हुए बिहार के बेटे कैप्टन आनंद को मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। बीते दिन जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में एलओसी पर देश की रक्षा करते हुए बिहार का एक और बेटा कैप्टन आनंद शहीद हो गया। शहीद हुए कैप्टन आनंद मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले थे। उनके जाने की खबर सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो वहीं उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिन ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में शहीद हुए चंपानगर के कैप्टन आनंद जी को श्रद्धांजलि। उनकी शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। वीर सपूत के परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की ईश्वर शक्ति दे। शहीद जवान का राज्य सरकार की ओर से पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रदेश में 20 जुलाई के बाद से होगी झमाझम बारिश। बिहार में पिछले कुछ दिनों से नहीं हो रही बारिश की वजह से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सूखे जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। दिन में जिस तरह से तेज धूप निकल रहा है उससे बारिश होने की संभावना भी नहीं बन पा रही है। हालांकि इन सब के बीच में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके तहत कहा गया है कि 20 जुलाई के बाद से प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना है। साथ ही यह भी बताया कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। साथ ही विभाग ने यह भी कहा है कि 20 जुलाई बाद ही प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो सकती है। हालांकि इस दौरान प्रदेश में अच्छी बारिश नहीं होने के कारण किसानों की फसलों के नुकसान होने की संभावना जताई गई है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि प्रदेश में अगर अच्छी बारिश नहीं होती है तो खेतीबाड़ी के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। कांवरिया रूट की सुरक्षा को लेकर बिहार पुलिस हुई अलर्ट। सावन शुरू होने के साथ ही तमाम छोटे बड़े शिवालयों की ओर कांवरियों का जत्था निकल चुका है।
क्रम में इनके आने जाने के रूट में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। दरअसल लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व कोई वारदात को अंजाम ना दे सके, इसे लेकर सभी पुलिस कर्मियों को हाई अलर्ट मोड पर तैनात रहने को कहा गया है। खासकर शिव मंदिरों के पास विशेष तैनाती रहेगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने भी बड़ी संख्या में अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी है। आपको बता दें कि भागलपुर के अजगैबीनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर, मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर, मोतिहारी के अरेराज में सोमेश्वरनाथ मंदिर, बक्सर के ब्रह्मपुत्र में बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ और लखीसराय में अशोक धाम समेत बड़े मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जदयू के युवा प्रकोष्ठ ने जारी की नए जिलाध्यक्षों व प्रदेश पदाधिकारियों की सूची। पार्टी को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से जदयू युवा प्रकोष्ठ ने नए चेहरों को जिम्मेदारियां दी हैं, जिसके तहत बीते दिन अपने जदयू युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज ने नए मनोनीत जिलाध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों की सूची को जारी किया है। इसके तहत 16 जिलाध्यक्ष, 9 उपाध्यक्ष, 17 महासचिव और 29 सचिवों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले प्रकोष्ठ के नव मनोनीत जिलाध्यक्षों की सूची जारी की गई थी, जिसमें कुछ जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं हो सकी थी। ऐसे में प्रकोष्ठ ने बाकी बचे जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। बिहार में दिखा दूसरा श्रवण कुमार। आज के जमाने में जहां आए दिन कई बेटे अपने माता पिता को अपमानित और दुखी करते रहते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी बेटे हैं जो आज भी अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार जैसे बने हैं। जी हां, बिहार के जहानाबाद के चंदन कुमार अपने माता और पिता को कांवड़ में बिठाकर देवघर जाते हुए देखे गए। इस दौरान सुल्तानगंज में गंगा जल भरने के दौरान वे चर्चा में बन गए। इस क्रम में देवघर जा रहे चंदन कुमार ने बताया कि उनके मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं वे अपने पिता जगन्नाथ साहब और माता मीना देवी को तीर्थाटन करवाए। वहीं माता पिता के प्रति इस भक्ति को देखकर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। पटना की तुर्षा बनी स्ट्रांग वुमन ऑफ बिहार। सोमवार को 35वीं सब जूनियर, सीनियर और मास्टर बिहार पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का समापन हो गया। इस चैंपियनशिप का मुख्य बिंदु महिला सशक्तिकरण रहा, जिसको ध्यान में रखकर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। बता दें कि इसमें महिला वर्ग में पटना की तुर्षा ने स्ट्रांग वुमन ऑफ बिहार का खिताब जीता, तो वहीं आरा के मोहम्मद तौसीफ ने बेंच प्रेस में बाजी मारी है। आकाश कुमार जूनियर स्ट्रांग में ऑफ बिहार का खिताब मिला। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MRI और CT स्कैन मशीन को लेकर हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी। सूबे के तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MRI और CT स्कैन मशीन अब तक नहीं लगाए जाने को लेकर साल 2015 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे लेकर बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। इसके तहत जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह की खंडपीठ इस मामले में 28 जुलाई को फैसला करेगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में पिछले सुनवाई के दौरान ही राज्य सरकार को इन मशीनों को लगाने और चालू करने के आदेश दिए गए थे, ताकि लोगों को इलाज में कुछ आर्थिक सहूलियत मिल सके, मगर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। तो वहीं बीते दिन के दौरान ही राज्य सरकार की ओर से सीटी स्कैन और MRI मशीन सभी मेडिकल कॉलेजों में लगाने के लिए 5 महीनों का समय मांगा गया था। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बिहार में विजय सिन्हा ने डाला पहला वोट। बीते दिन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बिहार विधानसभा में भी शांतिपूर्वक वोटिंग हुई। इस दौरान पहला वोट विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने डाला। आपको बताते चले कि विधानसभा में बिहार के सभी विधायकों ने पहुंचकर अपने अपने पसंद के उम्मीदवारों के लिए मतदान किया। वहीं वोट डालने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुझे पहला वोट डालने का मौका मिला है और सावन की सोमवारी होने के कारण आज का दिन भी बेहद खास है। विजय सिन्हा ने कहा कि 21वीं सदी में भारत के नवनिर्माण को लेकर एक बड़ा कदम आगे बढ़ चुका है। बिहार लोकतंत्र की जननी है, इसलिए स्वाभाविक है कि जननी की गोद में बैठे विधायकों में भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उत्साह है। दिवंगत मंत्री नरेंद्र सिंह के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए मुख्यमंत्री। बीते दिन सीएम नीतीश कुमार जमुई जिले के पकड़ी में पूर्व मंत्री दिवंगत नरेंद्र सिंह के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ अपने रिश्ते को याद करते हुए सीएम ने कहा कि हमारा और नरेंद्र सिंह का संबंध बहुत ही पुराना है। पटना विश्वविद्यालय से लेकर JP आंदोलन में भी संपर्क रहा उनसे आज का नहीं पुराना संपर्क है। उनके पिताजी श्रीकृष्ण सिंह समाजवादी थे, उनका सम्मान करते हैं। नरेंद्र सिंह के साथ में काम किया, तबीयत खराब रहने के दौरान भी उनका हाल चाल लिया था। उम्मीद थी कि वे स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन आज जब वो नहीं रहे तो हम लोगों को इस बात का बहुत अफसोस है।
तेजस्वी यादव ने नित्यानंद राय को लेकर कही यह बात। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों भाजपा पर लगातार निशाना साध रहे हैं। हाल ही में एनडीए की राष्ट्रपति पद उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने मूर्ति कहा दिया था, तो वहीं अब उन्होंने गृह राज्य मंत्री व भाजपा नेता नित्यानंद राय के ऊपर बयान दिया है। दरअसल मूर्ति वाले बयान पर नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव से माफी मांगने को कहा था, जिसके बाद बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नित्यानंद राय को लेकर कहा कि वह जब मंत्री नहीं बने थे तब हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि जब उनका मन अब नहीं लग रहा था वहां वह राजद में शामिल कर ले, अब वह क्या बोलेंगे। आधार यूजर्स को अब चंद क्लिक्स में मिलेगी बड़ी सुविधा। आधार कार्ड को लेकर UIDAI ने इसरो के साथ एक समझौता किया है, जिसका फायदा हर एक आधार कार्ड होल्डर को मिलेगा। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI और इसरो ने मिलकर लोकेशन ट्रैक करने को लेकर एक समझौता किया है, जिसके बाद कोई भी आधार कार्ड होल्डर अपने घर के पास के आधार केंद्र को आसानी से खोज सकते हैं। आधार ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा है कि आधार कार्ड की लोकेशन हासिल करने के लिए NRSC, इसरो और UIDAI ने मिलकर एक भुवन आधार पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के जरिए आप आधार सेंटर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। आज के दिन साल 1763 में ब्रिटिश सेना ने बंगाल के शासक मीर कासिम को पश्चिम बंगाल के कठुआ क्षेत्र में पराजित किया था। आज के दिन साल 1827 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत मंगल पांडे का जन्म हुआ था। आज के दिन साल 1969 में भारत सरकार ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। आज के दिन साल 1974 में क्रांतिकारी उधम सिंह की अस्थियों को लंदन से नई दिल्ली लाया गया था। आज के दिन साल 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। पाकिस्तान से 3 कदम आगे निकली टीम इंडिया। इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर वनडे सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम ने ICC वनडे रैंकिंग में अपना स्थान मजबूत कर लिया है। नई रैंकिंग के अनुसार 109 रेटिंग पॉइंट के साथ भारतीय टीम ने तीसरा स्थान मजबूती से पकड़ लिया है। आपको बता दें कि यह पाकिस्तान के रेटिंग पॉइंट से 3 ज्यादा है। रैंकिंग में टॉप पर 128 पॉइंट के साथ न्यूजीलैंड की टीम है, जबकि दूसरे नंबर पर वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड की टीम है। इंग्लैंड के 121 रेटिंग पॉइंट्स है। फोन को ज्यादा गर्म होने से बचने के लिए इन टिप्स को करें फॉलो। स्मार्टफोन का इंटरनल तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर करता है। गर्मी या धूप की वजह से अक्सर फोन हीट करने लगता है, जिसका प्रभाव फोन की बैटरी पर पड़ता है। अगर आपका ही फोन ओवरहीटिंग का शिकार हो जाता है तो आप कुछ उपाय अपना सकते हैं। आप अपने फोन को डायरेक्ट धूप से दूर रखें, गैर जरूरी एप्स को बंद करके रखें, डिस्प्ले ब्राइटनेस को कम रखें, जरूरत ना होने पर फोन एयरप्लेन मोड पर रखें, या फिर आप फोन के कवर को कुछ देर के लिए हटा भी सकते हैं। बिहार में मिले COVID-19 के 350 से ज्यादा मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 367 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 2600 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 10, अरवल में 1, औरंगाबाद में 5, बांका में 13, बेगूसराय में 1, भागलपुर में 32, भोजपुर में 1, दरभंगा में 6, पूर्वी चंपारण में 1, गया में 23, गोपालगंज में 1, जमुई में 4, जहानाबाद में 6, कैमूर में 13, खगड़िया में 11, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 31, मुंगेर में 8, मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 3, पटना में 115, पूर्णिया में 4, रोहतास में 2, सहरसा में 7, समस्तीपुर में 8, सारण में 2, शेखपुरा में 2, सीतामढ़ी में 5, सीवान में 6, सुपौल में 35, वैशाली में 4, पश्चिम चंपारण में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 2 ऐसे मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन उनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों से कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 73,915 सैंपलों की जाँच की गई। इस दौरान 140 मरीज ठीक कर वापस लौटे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स ने सही जवाब दिया है उनके नाम है निभा कुमारी, दिनेश कुमार, मोहम्मद फैजान, नीतीश कुमार, बासुकी पंजिया, अमित कुमार पासवान, रंजीत मिश्र, दीपू तिवारी, दीपक कुमार, सिद्धार्थ कुमार, रंजीत मिश्र, योगेश कुमार, पंकज बेदर्दी, उमेश महतो, अखिलेश यादव, आनंद सिंह, गुड्डू कुमार, कुमार कौशल सिंह, राहुल कुमार यादव, अंकित सिंह, नीरज कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब कमेंट में देते रहें, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपके क्षेत्र में सावन को लेकर कैसा माहौल है। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ ही बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।